हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप लोग के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बहाली निकल कर आ रहा है। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये आप लोग का दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड GNCET ऑफ दिल्ली की तरफ से ये डिपार्टमेंट वर्क करती है। बोल सकते हैं ये दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग का MTS का पोस्ट निकला है IT वालों के लिए। ये आप लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप लोग का ये जॉब है। आप सभी को पता होगा कोरोना की वजह से ये सभी हावी हालात है। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं हर वीडियो में आप लोग को यही चीज़ बोलता हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट इंटरेस्ट है, वीडियो को देखिएगा। फॉर्म भरने का मैं आप लोग को सारा प्रोसेस बताऊँगा, कितना नंबर ऑफ सीट है, PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा, नीचे में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। मैं आप सभी को बोलता हूँ प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़िए। वहाँ पे 5,500 कैंडिडेट प्लस है जो आपस में मतलब कि वहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं। वहाँ पे सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, ये फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को आवेदन करना होगा। वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट है। कैरियर सेक्शन में जाकर आप लोग को अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म आप लोग का 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्लोजिंग डेट आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे 24/8/2021। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का MTS का जो पोस्ट है, यहाँ पे मैट्रिक पास है फिर भी फॉर्म के लिए अप्लाई है, ITI पास है फिर भी फॉर्म के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड मेंशन नहीं है, तो हो सके सभी ट्रेड को ले, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मेंशन नहीं है। वो चीज़ आप फॉर्म भरिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा। आप लोग को कौन कौन सा काम करना रहेगा, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिजिकली मेंटेनेंस करना होगा रिकॉर्ड सेक्शन का, उसके बाद आप लोग क्लीननेस और अनकीप रहेगा सेक्शन यूनिट का, यानी साफ रखना होगा। फाइल्स को आप लोग को इधर से उधर ले जाना होगा बिल्डिंग में, फोटोकॉपी या करना पड़ जाएगा, जेरोक्स भेजना पड़ जाएगा। और आप लोग को ऑफिस में वर्क करना पड़ सकता है, डिस्पैच का, डेयरी का, आप लोग का डिलीवरिंग का भी काम मिल सकता है, आउटसोर्सिंग बिल्डिंग का, वॉच और वार्ड का ड्यूटी मिल सकता है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ रूम्स का, यानी कि बंद करना उसका ओपन करना, ये आप लोग को ड्यूटी लग सकता है। और ITI से रिलेटेड भी आप लोग को वर्क्स मिल सकता है। यहाँ पे सैलरी आप लोग को 19,291 रुपये पर मंथ मिलेगा। और एज आप लोग 18 से 25 है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, SC ST BC कैंडिडेट एज पर गाइडलाइंस के अनुसार आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को 1,000 फीस रुपया लग रहा है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है आप लोग का। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरिएगा, उसके बाद आप लोग का शॉर्ट लिस्टेड होगा, आप लोग का स्क्रूटनी होगा डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद आप लोग का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यहाँ पे मैं आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये चीज़ आप लोग को लिखा गया है इंटरव्यू या इंटर सिलेक्शन, तभी आप लोग का यहाँ पे ये चीज़ होगा। उसके बाद ये फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है, मैं पहले ही बताया, इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग को फॉर्म भरना होगा। आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट्स, जब इंटरव्यू होगा तो ओरिजिनल ही आप लोग को डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो गाइस, जो कैंडिडेट इंटरेस्ट है, एलिजिबल है, जो लोग चाहते हैं अप्लाई करने का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। यही था आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। धन्यवाद।